हेलो और नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर संजीवनी एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो एज वी आर डिस्कसिंग दिस केसेस हियर टुडे आई एम विद वेरी ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग एंड अ क्यूट केस। क्यूट बिकॉज इट इज़ अ केस ऑफ 3 ईयर ओल्ड बॉय एंड आई विल टेल यू वॉट ही डिड व्हेन ही एंटर्ड माई क्लिनिक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द केस। सो 3 ईयर ओल्ड क्यूट लिटिल बॉय केम अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स एंड there are 3 chairs in front of me in my clinic. So everybody sat on one chair, and generally I offer chocolates to all my cute little patients. So I offered the same bowl of chocolates to him, and he said no chocolates please. And then I asked him, are you can take one, just take one. So why I said that, because I want to look at the reaction. And he looked at his mother like this, and he made a face like that, and she said, no, I told you you should not take it, you can explain ma'am. So then again he looked at me with that cute face and he said, no ma'am, I'm not allowed. Okay, then I said, okay, no problem, and I took that bowl back. But I was observing him, and I observed that he did not had his eyes on that bowl. Okay, otherwise I've seen patients, babies, who when not given those chocolates will continuously stare that bowl of chocolates, but he did not do that. He was sitting quietly, nicely, well behaved, well mannered little boy. So I asked, what's the matter? The parent told me that this boy is allergic to pollen grains, dust and whatnot. Recurrent cold problem is there, and many of his friends are coming here for the same kind of thing. Generally बच्चों में वो ही होता है ना, कोल्ड एंड कफ होता है, तो उसकी वजह से उन लोगों को पता चला और वो मेरे सामने बैठे हुए। तो आई वॉज लुकिंग एट दैट बॉय एंड ही वॉज सिटिंग लाइक दिस, एकदम शांति से चुपचाप, वरना बच्चे अगर क्लिनिक में आते हैं तो उधम मचाते हैं। सो हम लोग एज अ डॉक्टर ऐसे हो जाते हैं कि बाप रे, पेशेंट के मदर से बात करें, पेशेंट को देखे या अपनी चीज़ें संभालें, है ना। सो दिस जनरली हैपन्स, बट नॉट विद सच काइंड ऑफ बेबीज। वेल मैनर्ड, सो नाइस, सो क्वाइट, गुड बॉय, उसको लेबल लगा देने का मन कर रहा था। सो इट वॉज लाइक दिस, एंड आई आस्क्ड हिज मदर, ओके एनीथिंग एल्स, टेल मी अबाउट द नेचर ऑफ योर चाइल्ड, इज ही द ओनली किड और ही इज हैविंग एनी सिबलिंग। She said, no, 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 he is our only child, and he is very nice boy. Whatever we tell him, he listens, and wherever we go, he is like this, quiet, well-behaved. Everybody praises us, ki aapka bachcha bahut achcha hai. So I said, yes, definitely, because he is indeed. So, uske baad, मैंने उसके पापा को भी पूछा, तो उन्होंने भी सेम बोला कि यस, वो बहुत अच्छे से सुनता है, शांत है, बट ओनली वन प्रॉब्लम वी हैव, ओनली वन थिंग ही ट्रबल्स अस विद इज हिज रिकरेंट कोल्ड। तो ये सब था। तो अभी आपको क्या लगता है, इज इट नॉर्मल फॉर अ चाइल्ड टू बिहेव लाइक दिस? वी कांट लेबल इट एज एक्चुअली नॉर्मल एंड अबनॉर्मल, बट इज इट कॉमन? No, right? What is commonly seen when there are babies in front of you, small kids, toddlers in front of you? They will make you run behind them, right? And rarely we find such kids who listen, who are so well-mannered, so well-behaved. Kyun? Kyunki they listen to their parents, to the elders. And iske wajah se ye jo dawai hai, wo mannerism wali hai, wo morals wali hai. To ye jo medicine hai, वो है, यू राइट इन द कमेंट्स, आई एम गोइंग टू शेयर द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे चाहिए। देखो क्या है ना, इफ़ आई डिस्क्लोज द मेडिसिन, आई फियर कि यार आप लोग अपना दिमाग ही नहीं चलाओगे, बट आई एम हियर टू टेल यू द मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि मुझे आपके साथ शेयर नहीं करना, पर ऐसा है कि मुझे चाहिए कि आप अपना दिमाग लगाओ, आप सोचो, आप कमेंट में लिखो, एंड आई एम टेलिंग यू, मैं ये जो मैंने केस वाला जो सीरीज शुरू किया है, केस डिस्कशन वाला, इसमें मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ, और सही आंसर देने के बाद मैं रिप्लाई करने वाली हूँ, और मैं आंसर डिस्क्लोज करने वाली हूँ, बट आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन। देखो आई लव टीचिंग, आई लव एजुकेटिंग डॉक्टर्स,
बट इन दिस मोड समटाइम्स आई फील कि यार बहुत वन वे है, सिर्फ मैं ही बात करूँ. सो वेन आई रीड योर कमेंट्स आई फील कि हाँ आप देख रहे हो, सुन रहे हो. सो देर इज़ अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन दैट हैपन्स टू एंड आई लव दैट. सो आई लव वेन यू अप्रिशिएट, आई लव वेन यू लाइक कमेंट, आई लव वेन यू शेयर. सो दैट इज़ द ओनली इंटरेक्शन दैट हैपन्स, राइट? सो प्लीज़ थिंक ओवर इट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन वॉट इज़ द मेडिसिन दैट इज़ कमिंग इन योर माइंड. और उसके बाद सही कमेंट करने पर मैं थम्स अप करके, लाइक करके आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी. अगर किसी ने सही आंसर नहीं भी किया तो भी मैं आंसर कुछ दिनों के बाद ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में डिस्क्लोज करूँगी. तो यू हैव टू कीप द ट्रैक. बट आपके पास भी क्लिनिक में ऐसा पेशेंट एक बार तो आएगा ही आएगा, ठीक है? तो ऐसे अच्छे बच्चे भी होते हैं और ऐसे अच्छे बच्चों की दवाई अपने पास भी है, ठीक है? तो फॉलोअप मैं बता दूँ, दवाई के बाद वन मंथ के बाद मेरे पास सबसे मतलब पहला फॉलोअप जो होता है ना, दैट इज़ द फॉलोअप आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर कि अरे हाँ एक महीना कब खत्म होता है, कब इसका फॉलोअप आता है. तो एक महीने में ही वो लोग बोल देते कि हाँ बहुत अच्छे से रिलीफ मिला है ऐसा. तो दैट इज़ अ थिंग दैट होम्योपैथी डज, मैजिकल पिल्स डू दिस मैजिक. ओके, तो एक महीने के बाद उन्होंने बोला कि डॉक्टर इतना रिलीफ है हम लोगों को, बिल्कुल भी अभी परेशानी नहीं है, बच्चा तो अच्छा था ही, बच्चे का प्रॉब्लम भी चला गया, तो अभी हम लोग एकदम रिलैक्स हैं, ठीक है? और वन मोर थिंग, ये जो बच्चा था ना वो खांसते वक्त और स्नीज करते वक्त मेरे सामने बहुत टाइम बैठे थे, तो वो उसने किया था, ही गॉट 2-3 स्नीजेस, बट दैट टाइम ही कवर्ड हिज माउथ. दैट इज़ ऑल्सो वेरी पिक्यूलियर. ओके, अदरवाइज कितने बच्चे यार ऐसे करते हैं, वो तो फैला देते हैं इन्फेक्शन, है ना? तो यू नीड टू ऑब्जर्व एंड टू लर्न द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन, टू लर्न important essential aspect of case taking and to understand the individual, please enroll to the course. बहुत ही कम प्राइस में है पर वैल्यू ढेर सारा है, आपके लिए बनाया है, ज़रूर एनरोल करिए. डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं और आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ये दिस इज़ फॉर श्योर. ओके, सो हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच.